हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हो सब। अभी मैं आज बना रही हूँ बुरीटो, तो मैंने इसकी रेसिपी लिख के भी अपलोड कर दिया, लेकिन मैं इसकी वीडियो भी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 2 कप मकई का आटा लिया, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मकई का आटा 2 कप लिया और सेम उसी क्वांटिटी में मुझे इसमें डालना है गंदम का आटा, होल व्हीट आटा। और इसमें मैं 2 चमचे ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी और नमक आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो अब मैं इसको थोड़े से गर्म पानी से, जिसे हम गुनगुना कहते हैं, उससे मैं इसको गूंद लूँगी, जैसे आटे को गूंदना है ना वैसे। इसकी ये जो डो हमने बनाई वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। और अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी फिलिंग मैंने कैसे रेडी की है। तो उसके लिए मैंने ये चिकन नगेट्स बनाया, आप किसी भी तरह का चिकन बना सकते हो, चिकन टिक्का, या अगर आपने चिकन नहीं डालना आप चिकन मत ऐड करें, जो भी आपका की मर्जी हो। वैसे इस इन नगेट्स की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले, इस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और एक तरफ मैंने ये वेजिटेबल लिए हैं, जो मैंने गाजर है उसको मैंने क्रश किया, कद्दूकश किया, और इसमें मैंने ये शिमला मिर्च ऐड किया और एक प्याज ऐड किया, और इनको सबको मैं फ्राई कर रही हूँ। और जब ये फ्राई हो जाएंगे, हल्के ऑयल में मैंने फ्राई किया, फिर जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें मैं क्या ऐड करूँ। तो अभी ये वेजिटेबल में मैं थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, ये सोया सॉस। आप कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हो, जो भी आपके बच्चों को फेवरेट हो आप वो भी इसमें ऐड करो, और आप अपने हिसाब से इंग्रीडियंट ऐड कर सकते हो अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से। और मैं इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड करूँगी, थोड़ी सी डालूँगी, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, वो भी आपने लेना। और काली मिर्च कुटी हुई ले लें या पिसी हुई ले लें, जैसे भी आपको अच्छी लगती है वो डालें। और ये वाली क्रश चिली डालें, और साथ में मैं ये वाली चिली सॉस डालूँगी। तो ये आप अपने फैमिली के टेस्ट के हिसाब से इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। मेरी फैमिली ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी खाती है, मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो ये मैंने डाल दिया। अभी मैं इसको मिक्स करके इसको थोड़ा कुक करूँगी। आपने ऐसे जो हमने आटा गूंदा था ना, उसके आपने ऐसे पेड़े बना लेने हैं, और इस तरह से जिस तरह से हम सिंपल रोटी को बेलते हैं उस तरह से बेल लेने हैं। तो और इसको बिल्कुल ऐसे ही पकाना है आपने, जैसे हम रोटी बनाते हैं, फुल्का बनाते हैं वैसे ही बना। गर्ल्स, ये बोरीटो के लिए इसके जो रैप बनाने हैं हमने, उसके लिए ये रोटियां रेडी हो गई हैं। तो अभी आपको मैं बताती हूँ इसकी फिलिंग कैसे करनी। तो गर्ल्स, मैं अभी इसका जो रैप है वो तैयार करने लगी हूँ। ये मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड की है, और मैं इसमें ये नगेट्स डालूँगी जो मैंने बनाए हैं, चिकन नगेट्स। और अब मैं इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी एक ऐसे, और फिर मैं इसको ऐसे रैप करूंगी। ओके गर्ल्स, मैंने इसको ऐसे रैप बना के अभी मैं इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर गरम करूंगी, यानी इसको हम, मैंने तवे को ग्रीस किया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे गरम करके, यानी मतलब आप सोचे फ्राई करूंगी या इसको सेकूंगी, तो ये मैं ऐसे करूँगी। ये तैयार हो गए हैं हमारे बुरीटो। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।